गाइस, कैसा आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया है गाइस, मां चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज अपना रैंक पुश का 12वां दिन है, और तो भाई आज की गेम में भी अपने भाई हैकर आता है, और तो भाई हैकर को ना अपने हैंड टू हैंड बैन करवा देते हैं। तो अब जल्दी से मैं भाई ये छोटे मोटे घरों में उतर गया था, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी सिटी में जाने से भी हैकर ही मिलते हैं। तो अब जल्दी से छोटे मोटे घर लूटते हैं और इधर से निकलते हैं गाइस। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे सोलो के कौन कर लो वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। तो भाई सामने एक बोट आया था, और तो भाई इस वक्त है ना मेरा रैंक 400 के करीब करीब कुछ चल रहा है। अपने भाई पूरा ट्राई कर रहे हैं कि टॉप 100 के अंदर आ जाए। तो अब यहाँ पर एक बोट मार दिया था, जल्दी से बग्गी अपने पास होती है, बग्गी उठाते हैं और गटका वाले घरों में आ जाते हैं। अब देखो भाई सामने पुलिस स्टेशन, इधर ही मेरे को बंदा दिख जाता है। देखो भाई स्टार्टिंग में ना मुझे बंदा बोट लग रहा था भाई, जैसे बंदा खड़ा था ना मैं को भाई ये मेरे ख्याल से बोट है, बट भाई ये बंदा रियल होता है। तो ये बंदा बोट की एक्टिंग कर रहा होता है, तो जल्दी से इसको मारने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये बंदा ना भाई कैंप करके बैठा था, यहाँ पर मैंने जैसे ही ग्रेनेड खींचा ये बंदा पुश करने लग जाता है। तो भाई ये वाले बंदे को तो भाई खतरनाक तरीके से मार दिया है। तो भाई इसकी सिर्फ और सिर्फ एक गोली मुझे ये वाली विंडो से लग जाती है। अगर भाई यहाँ पर एक से दो गोली और लगती ना, यहाँ पर मेरा खेल पूरा ख़त्म हो जाता। तब ये वाले छोटे मोटे घर लूट के भाई अपने ना एक से दो मिनट इधर ही वेट करते हैं, जैसे ही जोन कटेगा अपने भाई जल्दी से जोन की तरफ निकलेंगे। तो भाई जोन बन चुका था जोरजोपुर वाली साइड। मेरे को लगा ना मैं अभी अगर सेंटर में जाऊंगा ना तो भाई अपनों को ना थोड़ा पोजीशन मिलने के लिए ना थोड़ा हार्ड रहेगा। तो अपने भाई एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट जोन बनेगा उसके लिए मैं इधर ही वेट कर लेता हूँ। भाई जैसे ही मैं इधर वेट करता हूँ ना मैं भाई ये जो पास में घर है ना, ये वाले घर के अंदर अपने इजी जा सकते हैं। अगर इधर कोई बंदा हुआ ना वो बंदे से भी अपने फाइट ले लेते हैं। तो भाई जल्दी से बग्गी निकालता हूँ और इधर से निकलता हूँ। बट भाई देखना आगे जैसे ही जाऊँगा वो वाला बंदा भाई पहले ही मेरे लिए रेडी होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 गोली में ये वाले बंदे ने मेरे को मार दिया। तो भाई इस बंदे की आईडी देखते हैं भाई। देखो इस बंदे ने नाम तो लड़कियों वाला रखा हुआ है, बट भाई ये है लड़का जो कि भाई हैक करके खेल रहे हैं। तो मैं समझ जाता हूँ, इसको भाई हैंड टू हैंड रिपोर्ट करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट करने के बाद बाहर लॉबी में आता हूँ ना भाई, देखो मेरे को इस बंदे का भाई मेल आ जाता है कि भाई इस बंदे को ना 10 साल का बैन लगा है। अब इस बंदे की जो आईडी है वो भाई 3/2032 में जाके खुलेगी, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो भाई जल्दी से दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं भाई। अब है ना मैंने मेरी लाइफ में पहली बार सोलो कॉन्कर लॉबी में ना अपार्टमेंट उतरा था। मैं कभी भी अपार्टमेंट नहीं उतरा, बट भाई पूरा अपार्टमेंट खाली होता है तो भाई पूरा अपार्टमेंट अपने जल्दी से लूटते हैं। और तो भाई ये वाले गेम में ना अपने भाई दो डुओ को भी मारने वाले हैं। दोनों डुओ भाई टीम अप करके आते हैं, उनको ही मारते हैं और एंड जोन में जाके बढ़िया गेम निकालते हैं। तो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की समस्या थी भाई, यहाँ पर है ना वो गाड़ी नहीं मिलती, ना ही कोई गाड़ी मिलती है ना ही कोई बाइक मिलती है। सिर्फ मेरे पास एक साइकिल होती है, वो साइकिल से अपने भाई जोन में जाते हैं और जोन में जाके बंदों को मारते हैं। तो भाई देखो अब यहाँ पर स्कूल के अंदर एक बंदा था, जो कि भाई पूरे अपार्टमेंट के अंदर है ना पूरा का पूरा मॉल इधर खाली पड़ा था। तो भाई इधर अपने प्रॉपर लूट कर लेते हैं और इधर से निकलते हैं। तो भाई मैंने इधर से ना गाड़ी ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं होती। अगर जोन बहुत ज़्यादा दूर बना ना तो भाई देखो साइकिल पर तो जा नहीं पाएंगे। तो जल्दी से इधर भाई रोड के ऊपर गाड़ी वगैरह ढूंढ लेते, बट इतनी देर में ना भाई मेरी वाली बिल्डिंगों में आती है टीम अप। तो भाई देखो गाड़ी तो अपने को मिली नहीं, पूरी की पूरी रोड खाली होती है। इधर अपनी साइकिल खड़ी करते हैं, जैसी वाली बिल्डिंग में आता हूँ ना भाई राइट वाली बिल्डिंग से ना मेरे को आवाज़ आने लग जाती है। तो भाई मेरे को पता लग जाता है इस बिल्डिंग में भाई दो बंदे हैं, जहाँ तो ये दोनों फाइट करेंगे। ये दोनों बिल्कुल भी फाइट नहीं करते, इसका मतलब है दोनों के दोनों टीम अप होते हैं। तो अपने पास भाई यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है, इन दोनों की बिल्डिंग है ना बिल्कुल टॉप के ऊपर चल जाते हैं। तो भाई पर ये टीम अप को ना अपने मार देते हैं। मेरे को स्टार्टिंग में ना एक बार के लिए डर लग रहा था कि अगर मैं एक को मारूंगा दूसरा मुझे ना मार दे। तो भाई देखो बिल्डिंग के ऊपर तो आया था, मैंने यहाँ से ना वो दोनों के दोनों बंदे समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई विंडो से आने वाला है। तो यहाँ पर देख इनको कंफ्यूज करने के लिए जंप करता हूँ मैं भी, सामने वालों को ऐसा लगे कि मैं वो वाली साइड जंप करूँगा। बट भाई वो वाली साइड जंप ना करके मैं लेफ्ट वाली साइड आके भाई इधर ना बिल्कुल किनारे के ऊपर आ जाता हूँ। तो देखो एक बार के लिए बंदा ना बिल्कुल मेरे सामने होता है। तो यहाँ पर अपने ग्रेनेड कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों बंदे ना इतने शातिर होते हैं भाई, ये ना दूसरी वाली साइड निकल जाते हैं, फिर भी ये ग्रेनेड मैं फेंक देता हूँ। मेरे को इन बंदों की लोकेशन तो पता चल रही थी भाई, जैसे जैसे बंदे मूवमेंट कर रहे थे। तो ये देखो अब है ना अपने बिल्डिंग के सारे भाई मैं थोड़ा आगे जाने का ट्राई करता हूँ, बट मैं भाई उधर से ना नीचे गिर जाता हूँ। अब देखो जैसे ही नीचे गिरूँगा फिर तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि वापस से मेरी वाली बिल्डिंग में जाओ
क्योंकि भाई अब इधर फाइट नहीं होने वाली, तो जल्दी से मेरी वाली बिल्डिंग में जाता हूँ। तो भाई मेरी वाली बिल्डिंग में जैसे आता ना, ये दोनों के दोनों बंदे ना मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर एक को तो मार दिया, वो एक और बंदा है वो बिल्कुल नीचे है, तो जल्दी से उसको पकड़ते हैं। तो भाई यहाँ पर है ना अपने ना भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि भाई जो उसका टीममेट है ना वो बंदा मेरी लोकेशन बता रहा होगा, जहाँ तो बंदा सामने है या लेफ्ट में है। देखो लेफ्ट में फ्यूल कैन पड़ा है, ये फ्यूल कैन जैसे ही मैंने फोड़ा तो भाई ये वाले बंदे का तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हो जाता है। भाई इसके पास ना फ्यूल कैन पड़ा होता है और उसको मैं फोड़ देता हूँ जल्दी से। भाई इधर जोन भी आ चुका था, जल्दी से अपने साइकिल उठाते और जोन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भाई अपने पास गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई देखो साइकिल से मैं पुचिंग ही आता हूँ। देखो अपने पास है ना यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, जा तो कोई ना कोई घर होल्ड करके बैठ जाओ, नहीं तो भाई डायरेक्ट कोई बंदे के ऊपर रश करते हैं जिस बंदे के पास गाड़ी होगी और उसकी गाड़ी अपने ले लेंगे। तो भाई देखो पुचिंकी के पास जैसे ही आता हूँ ना मेरे सामने चल जाती है बगी, और तो भाई मैं जोन के अंदर होता हूँ, ये जो बगी वाला होता है ना मेरे आगे वाले घरों के अंदर जाके रुक जाता है। मैं को भाई ये बहुत ही बढ़िया मौका है कि अपने ना ये वाले बंदे की ना बगी ले सकते हैं, तो जल्दी से इसी बंदे के ऊपर भाई पुश कर देते हैं। तो भाई ये वाला बंदा ना आगे वाले घर के अंदर है ना प्रॉपर कैंप करके बैठा था, मेरे को ये था कि अगर ये वाला बंदा ऊपर चल गया ना तो भाई अपने ये वाले बंदे को ना इजी मार सकते हैं। तो भाई ये वाला बंदा मूवमेंट देता है और ये बंदा चल जाता है टॉप पे। तो भाई देखो अब ऊपर से ना नीचे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो अपने काम करते हैं जो उसका आगे वाला एरिया है उसको देखो मैंने ब्लॉक कर दिया। अब भाई देखो ये बंदा ना नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, अब अपने ना ऊपर कर देते हैं ग्रेनेड, जिससे भाई ये वाला बंदे को भाई थोड़ा बहुत डैमेज लगेगा, चाहे तो बंदा पूरा का पूरा किल हो जाएगा। देखो भाई प्रॉपर डैमेज दिया, पूरा ग्रेनेड भाई इसके मुंह के ऊपर जाके फटा आएगा, बट भाई ये वाला बंदा मरा ही नहीं, तो बंदा हील करने लगता है। तो भाई वैसे ही मैं इसके ऊपर मोली फेंक देता हूँ। भाई देखो अब तो बंदा कंफर्म मर जाता है, तब जल्दी से ऊपर चलते हैं। इसकी बगी भाई मेरी होगी और जो इसकी पेटी के अंदर लूट मिली है वो अलग से मिली है, तो जल्दी से इधर लूट करते हैं और इसकी गाड़ी लेके इधर से निकलते हैं। तो भाई गाड़ी उठा के इधर से निकलते हैं। मैं देखो अब जोन है ना बिल्कुल भी मेरा साथ देने वाले नहीं है, अपने हर बार जोन के सेंटर के अंदर जाके बैठते हैं और हर बार जोन इधर से निकल जाता है। तो भाई जोन के अंदर एक शेक होता है, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था ये वाला शेक मैं लूँगा, बट भाई उधर हैंड टू हैंड एक बंदा आ जाता है, तो उसके जस्ट पीछे एक और शेक होता है, वो वाला शेक भाई थोड़ा सा जोन के बाहर होता है। मैं को भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने ना ये वाले शेक के अंदर वेट कर लेते हैं, जैसे जोन स्टार्ट होएगा अपने भी इधर से निकल जाएंगे। तो भाई इधर जोन आ जाता है, जल्दी जल्दी ना हील कर देते हैं। मेरे पास 5 से 6 हेल्थ किट पड़ी थी, वो सारी की सारी मैं हेल्थ लगा के जोन की तरफ निकलता हूँ। तो भाई अपने जोन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हेल्थ किट पड़ी हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी इधर काम नहीं आने वाली, तो आगे चलते हैं। भाई मैंने इधर ही कवर बना लेता हूँ लाके, भाई इधर जोन नहीं होता, बट भाई अपने को एंड जोन में निकलना था, तो जल्दी से भाई एक ही हेल्थ किट पड़ी है, इधर 2 ड्रिंक लगाते हैं, उसके बाद वापस से जोन की तरफ निकलते हैं। तो ये देखो लास्ट जोन भी स्टार्ट हो जाता है, जल्दी से बगी निकालते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे से ना फाइट लेके उस बंदे का कवर ले लेते हैं। बट भाई जोन से बंदे से अपने फाइट लेने के लिए निकलते हैं ना भाई, वो वाला बंदा खुद जोन के अंदर नहीं होता। तो ये देखो सामने एक बंदा डीपी चला रहा होता है, इसके ऊपर मैं जैसी गाड़ी चढ़ाने का ट्राई करता हूँ ना भाई, ये वाला बंदा ना कवर में चल जाता है। मैं को भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर शील्ड बना लेता हूँ, बट भाई जैसी शील्ड बनाता हूँ वैसी जोन मेरे पास से निकल जाता है और ये वाला बंदा मुझे मार देता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसी सोलो की खतरनाक वाली वीडियोस लाता रहता हूं।